एमस्टर्डम ओलंपिक्स के बाद जयपाल सिंह 1928 में इंग्लैंड लौटे। उनकी शानदार कप्तानी और टीम की जीत से प्रसन्न होकर ICS की ओर से उन्हें दोबारा ट्रेनिंग में जाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। सन 1929 में भारत लौटने के बाद वे कलकत्ता में ही एक बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी बर्मा सेल में वरिष्ठ कार्यपालक के तौर पर नौकरी करते थे। वहीं वे मोहन बगान क्लब से जुड़े और वहां एक हॉकी टीम का गठन भी किया। अध्यापन के सिलसिले में जयपाल को अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, कभी रायपुर तो कभी मध्य प्रांत के शहर ब्रार, और फिर कभी अफ्रीकी देश घना के गोल्ड कोस्ट, और फिर अंततः राजपुताना। बाद में वे रायपुर में राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त हुए। इन सभी अनुभवों के बाद जयपाल सिंह को यह महसूस हुआ कि उनका यह अनुभव शिक्षा की दुनिया में काफ़ी सहायक हो सकता है। उन्होंने तत्कालीन बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा और बिहार के एजुकेशन सेक्टर में योगदान देने की अनुमति मांगी, परंतु उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। 1938 के अंत में उन्होंने पटना और रांची का भ्रमण किया। वहाँ के आदिवासियों की स्थिति देखकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जयपाल सिंह मुंडा की इन सब राजनीतिक उठापटक छीना छप्पी पर गहरी नज़र थी। उनकी यह गहरी और पैनी नज़र हमें उनके बाद के जीवन में बहुत ही प्रखरता के साथ दिखाई पड़ती है, जब वे खिलाड़ी से शिक्षक, शिक्षक से प्रशासक और प्रशासक से राजनीतिज्ञ बनते हैं। हर दौर में वे अपनी मेधा से एक ऐसी लकीर खींच जाते हैं जिसे छोटा कर पाने का कारनामा आज तक कोई नहीं कर सका है, चाहे वो खेल का मैदान हो या राजनीति का। 50 के दशक में अपने अद्भुत सांगठनिक कौशल से उन्होंने आदिवासी सभा को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा में बदल दिया। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते भारत के नए लोकतांत्रिक समाज में आदिवासियों की हक और भागीदारी के लिए राजनीतिक दल झारखंड पार्टी बनाई। संविधान सभा में बहुत ही तार्किकता और बुलंदी के साथ देश के आदिवासियों की इच्छा को राजनीतिक स्वर दिया। आदिवासी भाषा, संस्कृति और पुरखा स्वशासन व्यवस्था का पारंपरिक हक संविधान में शामिल हो, इसकी पूरे जोर वकालत की। अलग झारखंड राज्य की मांग को भारतीय राजनीति में स्थापित किया। धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की हर कोशिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया और नए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सभी आदिवासी समूहों को काबिलेपन से बाहर निकलकर उन्हें आदिवासियों के एक विचार के रूप में संगठित किया। उन्होंने बार बार कहा, आदिवासी लोग दुनिया के सबसे गणतांत्रिक समुदाय हैं, उनसे नए बनते भारत और भारतीय समाज को लोकतंत्र सीखना होगा। वे चाहते थे कि जिस प्रकार आदिवासी की सोच में किसी तरह का धार्मिक, संप्रदाय, जातीय और लिंग भेद नहीं है, वैसे ही विचार संविधान यहाँ के राजनीतिक पार्टियों और देश के लोगों में होना चाहिए। 50 के दशक में वे एकमात्र ऐसे राजनीतिक स्वप्नदृष्टा थे जो देश में आरक्षण के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर दे रहे थे। देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों के लिए जीने के समान अवसर की वकालत कर रहे थे। उनका मानना था कि ऐसे प्रशासन तंत्र और कार्य प्रणाली विकसित करना चाहिए जिसमें स्त्री, आदिवासी और जाति विरोधी राजनीति और समाज के लिए कोई जगह ना रह जाए। परंतु गांधी, नेहरू, जिन्ना और अम्बेडकर सहित पूरे संविधान सभा ने उनके प्रस्तावों को अनसुना कर दिया। यह जयपाल के आदिवासियत के राजनीति की ही उपलब्धि है कि देश का आदिवासी समुदाय अपने स्वशासन व्यवस्था और सहजीवी विचार दर्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TSC और आदिवासी मंत्रालय उनकी ही देन है। हालांकि ये संवैधानिक प्रावधान उसी रूप में नहीं लागू हुए जैसा वे चाहते थे। यही वजह है कि 5वीं, 6ठी अनुसूची और TSC के होते हुए भी भारत के आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। उनके मूल प्रस्ताव में TSC प्रभावशाली आदिवासी राजनीतिक संस्था थी जो अब सिर्फ नाम की रह गई है। 20 मार्च सन 1970 को नई दिल्ली में सेरेब्रल हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। जयपाल सिंह मुंडा निसंदेह 20वीं सदी के उन स्वप्न दृष्टाओं में से एक हैं जिनके जोड़ का कोई दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने देश के लिए ICS का त्याग किया
रंगभेद के कारण अपना प्रिय खेल हॉकी छोड़ा, झारखंड आंदोलन के लिए अपने प्रेम को कुर्बान किया, पत्नी तारा और बच्चों को छोड़ दिया, जिसने कोई व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित नहीं की, जो कभी भ्रष्टाचार में नहीं फंसे, ऐसा दृष्टांत भारत के और किसी राजनेता के जीवन में नहीं मिलता। उन पर कांग्रेस के हाथ झारखंड बेच देने का आरोप है, जो वास्तव में एक राजनीतिक समझौता था। दुनिया में ऐसे कई असफल सफल राजनीतिक समझौते हुए हैं, जिनके जिम्मेदार राजनीतिज्ञों को कोई पूरी तरह से भुला नहीं देता। पर जब जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक विश्वासघात के शिकार हुए, उन्हें अपने ही घर में बेदखल कर दिया गया। देश में आदिवासी और अलग झारखंड के अस्तित्व की कल्पना उनको छोड़कर नहीं की जा सकती। वे सच्चे आदिवासी हैं। उनके जैसा स्वपनदृष्टा आदिवासी लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, कुशल संगठक, वैचारिक सिद्धांतकार और राजनीतिक प्रतिनिधि भारत में कोई दूसरा नहीं हुआ। और यह एक कड़वा सच है कि पता नहीं क्यों इतने महान शख्स होने के बावजूद आज भी ना तो उनकी जयंती मनाई जाती है और ना ही पुण्यतिथि।